कहानी एक सच के कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी साधी लड़की शोभा, जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन एक अजीब सी शक्ति थी उसमें। वो सबके दिल का हाल सुन लेती थी और इसीलिए सब उससे बड़ा प्यार करते थे। लेकिन हर अच्छी चीज़ जब हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। कुछ ऐसे ही ये अपनी कहानी। अच्छा रीना, ये मैथ्स का सवाल देख लो ना प्लीज। इतना बड़ा हो गया है लेकिन एक मैथ्स का सवाल हल नहीं होता तुमसे। क्या करते हो तुम? अगर उसे कुछ आता होता तो तुमसे नहीं पूछता ना। पॉइंट है, तुम्हारा भाई विनय। अच्छा, कल कितने थप्पड़ पड़े थे मैम से? कोई गिन सकता है भला कितने थप्पड़ पड़े? वो तो बस इंतजार करता है कि इस पीरियड के बाद अगले टीचर कितने थप्पड़ मारेंगे। भाई हो गया आप लोगों का। अच्छा दीप्ति, तुम ही सॉल्व कर दो ना ये सवाल प्लीज। आइसक्रीम खिलाओगे तो अभी सॉल्व कर दूंगी, बोलो। दीप्ति, जरा ध्यान से उसे सिखाने में खुद मत भूल जाना, ओके ना? मुझे सोता रहता है, इसका काम है क्या है? सो गया, मैं तो शैतान ही करता। मैं नहीं सो रहा, मैं एग्जाम कराऊं। बहुत भूख लग रही है यार। कुछ भी कहो, शोभा हमारा ख्याल खूब रखती है। और उसका काम ही क्या है, नौकर है, नौकर की तरीके काम करती रहेगी। ये देखो नकली आंसू बोलेगी, ये तो बोलती ही नहीं। चलो जाओ। शोभा मेरा ग्लास तो ले जा। मैं भी क्यों उस गूंगी को दूध देने लगी? आपने तो हमें पहले ही समझा रखा है कि उसे कुछ ना देना, वो यहाँ नौकर है। तो उसको दूध दिया किसने था? क्या किसी के ग्लास कम था यहाँ पे? सबने पिया था मिस, क्या पता उसने ही हमारा ग्लास जूठा कर दिया। आप उसको ही बुलाइए। नहीं नहीं, वो खुद डरती है मिस से, वो तो ऐसा नहीं करेगी, वरना उसे अंजाम मालूम है। विनय जाओ उसको बुला के लाओ, आज उसकी मैं ऐसी धुनाई करूंगी कि उसे भी याद रहेगा। मिस, सनी को भेज दीजिए, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, होमवर्क, वरना कल आपको बुलाएंगे कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया। अच्छा सनी, ये ड्रामे आज पढ़ता नहीं है कभी? आजकल यही काम है इसका। ओ विनय, तुमने तो उसको दूध नहीं दिया। पागल है क्या, मुझे होमवर्क करना दो, ओके? मैम अच्छा, इस सवाल का आंसर बता दीजिए। आके लिखवाती हूँ मैं इसको। ओ थैंक गॉड, लेकिन भाई ये दूध?
विनय ने और क्या, इसका काम ही क्या है, खुद भी मार खाता है और उस बेचारी को भी खिलाता है। सुबह यहाँ रही तो आंटी उसे मार देंगी। बेचारी पिटेगी। इतनी फिक्र है तुम सबको उसकी? तेरे से तो ज्यादा है विनय। और अगर आज आंटी जी ने कुछ भी किया ना तो उसको चुपचाप भगा देंगे। मम्मी खतरनाक है तो डाल दिया। मैं तो चले गई, मैम को गुस्सा आता है। सबके ग्लास से दूध चुरा के पीती है, चोर नहीं की, यही सिखाती हूँ मैं तुझे। हाँ, नौकर का काम क्या तुझे पता नहीं है? पता नहीं है तुझे? तुझे काम नहीं पता नौकर का? चोर नहीं की। नहीं, हम तो सो रहे थे सभी। कल रात को तो यहीं सोई थी। हमारे साथ क्या हुआ था मिस? जाओ पूरा घर ढूंढो, बट खोज के लाओ उसको कहीं से भी। जाओ। लेकिन हुआ क्या मिस? मिस छत पर हो सकती है, वैसे भी वो हम सबसे पहले उठती है। बिल्कुल राइट, वहीं होगी। कहीं भी जाओ ढूंढ के लाओ उसको, समझे सबके साथ? कहीं भी जाओ। लेकिन कहाँ जाए उसको ढूंढने बताइए। मुझे नहीं मालूम, कहीं भी जाओ लेकिन ढूंढ कर आओ उस गुंगी को। वो अचानक कहाँ चली गई? बाहर चल के ढूंढ लेते हैं एक बार। किसी को कुछ पता है उसके बारे में तो पहले बता दो। भाइयों कहाँ गए? कहाँ हो गए? बहुत डर लगती थी हमारा, हमारे इसकी मदद करें। चलो पहले ढूंढने चले बाहर। भाइयों और उनकी प्रिय बहनों, शोभा अब नहीं मिलेगी क्योंकि कल रात मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। क्या? हाँ देख शोभा, मैं नहीं जानता कि तू क्या सोचती है और क्या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छा भाई तुझे कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ तू भाग जा जी, और देख सब सोए हुए हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी भागेगी तो सुबह होते होते सही जगह पहुंच जाएगी। ये ले, ये पैसे और डायरी और पेन अपने साथ रखना, अभी तो बोल नहीं सकती ना। अच्छा अच्छा चल जा वरना ब्लड जग जाएगी। शोभा को भगा दिया कल, इसलिए हम दर्दी दिखा रहे थे, इसीलिए तुमने हम लोग से 5-5 रुपए लिए थे। अच्छा और माउंट लीना, ज्यादा चिंता ना करो, आंटी डरती हैं। चिंता मत करो, आंटी डरती हैं तो सिर्फ पुलिस से, इसलिए मैंने एक लेटर लिख के कि वो इस घर में क्या क्या करती हैं किचन में रख दिया और नीचे शोभा लिख दिया। फिर क्या हो गया काम। जय जय राम। भगवान अब क्या होगा, क्या करूंगी, इस गुंगी ने क्या कर दिया ये।
अरे सोनू रुक, ये चोट कैसे लगी? और तुम्हें पता ही नहीं चला? पता नहीं दादाजी, इसने बताया। शोभा बड़ा प्यारा नाम है, मगर तुम किसके साथ आए हो? ये वक्त पागल हो गया? ऐसे कैसे कोई नहीं है, आज से तुम मेरी दोस्त। नहीं बेटा, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। हाँ चलो, हम काम नहीं करवाएंगे, तुमको खूब गेम खिलाएंगे। दिन भर बस गेम खेलना। दादाजी चलो चलो चलो, अगर इधर से आओ। शोभा ये लो कैच। अच्छा भैया सुनो, मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगा तो क्या होगा? दादा का प्यार और टीचर से मार। मार इम्पोर्टेंट है। मोनू अपना होमवर्क खुद करता है, भले ही गलत हो। कितनी भी बार मार पड़े सुधर नहीं सकते। ही शोभा, बार्बी डॉल से खेलोगी? हेलो भैया, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे यार, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए, आप कल मेरे को 11 बजे मिलिए, ठीक है? ठीक। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए सर। चाचा जी पानी पीजिए। और बताइए चाचा जी, कुछ खास बात? तुम्हें तो मालूम है भैया, मेरी बीवी से जाने के बाद जी मुझे एक बच्ची मिली है, गूंगी। मुझे मालूम है क्यों ऐसा लगता है कि वो बोल सकेगी अगर उसका कोई इलाज हो तो। मेडिकल की पढ़ाई के बाद हमने अपने पापा का पूरा कारोबार संभाल लिया। देखो ना, ये पेशा साथ नहीं छोड़ता। तुम कल उसे मेरे हॉस्पिटल लेके आ जाओ। और सुनो, और तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? आपकी दया से सही चल रहा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक? अच्छा तो बहुत अच्छा, आज से तुम हमारी बहन हो। और हम तुम्हें सिस्टर बुलाएंगे। कोई जवाब है? बोलो जरा। बहन को भी सिस्टर बुलाते हैं। पॉइंट नोट किया जाए। ये लो पेन, अनोट कर लो। जी जनाब। तुम बोलती तो कितना अच्छा होता ना। शोभा ऐसा कर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ठीक तो हो जाएगी? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। ठीक है फिर, मैं घर होके आता हूँ। दादा शोभा बोल पाएगी ना? बोलेगी बेटा, जरूर बोलेगी। हेलो विजय। हेलो।
सुबह बोल सकती है। क्या? क्योंकि कल मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, मुझे पता चला कि उसने बचपन में कुछ ऐसी चीज खाई जिससे उसकी आवाज चली गई और वो डर के कारण नहीं बोल रही। हाँ उसे भर्ती कर दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, मैं उसे रिमीट करता हूँ। शुभम अब तुम बोल सकती हो, प्लीज ट्राई। कितनी फूडिक्स खा रखी है शोभा? फर्स्ट टाइम है इसलिए दादा। बेटा शोभा तुम बोल सकते हो, एक बार कोशिश तो करो। मेरे दोस्तों को बचा लो, वो जालिम औरत तुमको मार डालेगी, वो दिल्ली में रहती है। मेरे दोस्तों को बचा लो प्लीज। बेटा हम देख लेंगे, डोंट वरी, बस उसका पता बताओ। चुपचाप बैठे रहो, एक एक को पकड़ के इतना मारूंगी ना कि समझ में आ जाएगा सबको। पकड़ूंगा तो मैं आपको मैडम। लेकिन मैंने किया क्या है? ये तो थाने जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपने क्या किया। चलिए। ओए पगली तू बोलने लगी, मुबारक हो, बात सच कर दी तूने। कैसी हो, इसने अकेले छोड़ दिया था तुम्हें। ये तुम्हारा दोस्त है ना शोभा? हाँ। दादू कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ है तो ज्यादा, अब क्या करें। अच्छा बच्चों हम चलते हैं, तुम लोग आराम करो। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? एसी लगी है यहाँ। ओ एसी, चलो चले घूमने। वैसे आंटी कहाँ है? आंटी जहाँ से आई थी वहाँ गई। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, बुरे का बुरा ही होगा। ठीक वैसे ही सबके लिए अच्छा सोचने वाली शोभा एक दिन बोलने लगी और अपने वादे के अनुसार उसके पहले वाक्य ने उसके दोस्तों की जिंदगी बदल दी।